आप क्या कहोगे, कभी लाइफ में कोई रिग्रेट, यानी कभी कभार तो गुस्सा आता होगा ना कि जब बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कभी सोचा था यार नहीं करना चाहिए था, शायद रिग्रेट हुआ था? हाँ, मतलब मैंने कुछ गलत तो नहीं किया कि मैं मुझे पछताना पड़े। हाँ, मैं क्यों लूँ, और मैं इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ तभी आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं इसको देखने लग जाऊँगा तो मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ इस मामले में, तो पछतावा। कमेंट्स पढ़ते ही नहीं हो जो नेगेटिव आते हैं? मैं पढ़ना ही छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, वजह भी ये है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, यहाँ तनकीद के बगैर तो आप नहीं रह सकते। बिल्कुल। और फिर ऐसी चीज़ों पर अल्लाह माफ़ करे, अब वो उनकी प्रोफाइल पर मैं गया हूँ, जो लोग तनकीद करते हैं, वॉल्स पे जाता हूँ, वो सारी फिल्में, ड्रामे और ऐसी चीज़ें, गाने वगैरह शेयर कर रहे होते हैं सब, और इतने मुल्ला नसीरुद्दीन के साहबजादे बन जाते हैं। आई थिंक ब्रिलियंटली पुट। अरीज, आप क्या कहेंगी ख़वातीन के हवाले से जो पछतावे होते हैं? मुझे लगता है कि एक खातून का पर्सनली बहुत चीज़ों पे पछतावा ज़्यादा नहीं होता, उसको लोग इस पे अवेयर करते हैं। अगर आप ही की फील्ड की बात की जाए, अगर किसी ने अपने आप को लुक आफ्टर करना बंद कर दिया है, खातून के बाल ख़राब हो गए हैं, स्किन पे तवज्जो नहीं दे रही है, वज़न बढ़ गया है, तो अपने आप से ज़्यादा लोग मलामत कराते हैं, इस पर पछतावा दिलाते हैं। एक मैं एज ए मदर मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं ना, आई फील समटाइम्स मुझे भी ये चीज़ फील होती है, हम लोग जब न्यू मदर्स बनते हैं ना तो हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, एंड वी वेस्ट लॉट ऑफ टाइम स्ट्रेसिंग अबाउट कि सोया नहीं बच्चा, बीमार हो गया, इसको खान, एंड वी लूज़ दैट टाइम जो बच्चे के साथ स्पेंड करने वाला होता है। मेरे पास आके खुद भी कहती हैं यार वो इन्जॉय नहीं किया था बच्चा, अब बड़ा हो जाता है फिर दूसरों के बच्चों को प्यार कर रहा है। तो ये बड़ा रिग्रेट होता है मदर्स को, बिकॉज हम लोग जो वे चीज़ें नहीं होंगी ना, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उनके ऊपर टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो बच्चा है जिसके से उसके हमें टाइम स्पेंड करना, उसकी मोमेंट्स एंजॉय करनी है ना, वो नहीं एंजॉय करते। तो आप समझती हैं कि दूसरों को अगर अपने जहन में स्पेस दी जाए, यानी दूसरे का ओपिनियन अपने ओपिनियन से ऊपर रखा जाए, तो लाइफ में रिग्रेट्स बढ़ जाती हैं, अपनी सेट नहीं करते ये। अच्छा, और ये रिग्रेट की बात होती है, हम लोग इवन अगर आप देखें कुछ ऐसे फादर्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ऑफिस में लगा देते हैं एंड दे डोंट स्पेंड टाइम विद फैमिलीज, उनको भी लेटर ऑन रिग्रेट होता है, बच्चे पढ़ के बाहर चले गए, कोई शादी हो गई, कोई चला गया, दे फील कि हाँ ये हमने टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा, एक शख्स जिसको किसी भी, यानी जिसको कॉन्फिडेंस को अपने इतना बुलंद रखना होता है कि उसको लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो।